सिरोही जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव वर्ली में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो रहा है। पहले इस क्षेत्र की दूर दराज की बालिकाओं को यहां विद्यालय नहीं होने से शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था, लेकिन अब ये छात्राएं यहां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये छात्राएं नौकरी के क्षेत्र में भी कदम रख रही हैं। यह विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा और सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। आदिवासी लड़कियां पहले पढ़ नहीं पा रही थी और अब पढ़ रही है और नौकरियां भी लग रही है और इस हॉस्टल में सुविधा भी अच्छी मिल रही है और लड़कियों को आदिवासी लड़कियों को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने 2008 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एडमिशन लिया था और यहाँ से पढ़कर मैंने बीए फाइनल तक पढ़ाई की है और मैं अभी निचलागढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर काम कर रही हूँ और मैं हर किसी विद्यालय या लड़कियों को हमेशा मतलब पढ़ाई के बारे में आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। कस्तूरबा गांधी जो ये विद्यालय है, ये पिंडवाड़ा के वर्ली क्षेत्र में आता है, जो कि पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ की महिलाएं और बच्चियाँ जो हैं वो काफ़ी टाइम से पिछड़ेपन से जूझ रही थी, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ही जो कस्तूरबा गांधी का कंसेप्ट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो कंसेप्ट था कस्तूरबा गांधी का, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये जो महिलाएं बच्चियां हैं, इनको कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के थ्रू एजुकेशन के साथ साथ उनके राइट्स के बारे में भी बहुत सी जानकारियां मिली, उनको बेसिक स्ट्रीम से जुड़ने का मौका मिला। यहाँ पर ड्रॉप आउट बालिकाएं को एडमिशन सबसे पहले दिया जाता है, उसमें जिसके माता पिता नहीं है, जो बच्चे स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, उनके आवास की व्यवस्था भी यही है और उनके पढ़ने का भी स्थान यही है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण में 3 महीने का ये कोर्स होता है जिसमें 15 15 15 दिन के हिसाब से हर साल इन बच्चियों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आत्मरक्षा के गुर, बच्चियों को कैसे अपने स्वयं की रक्षा करनी है, अलग अलग तरह के पंचेज केक वगैरह इनके बारे में जानकारी दी जाती है ताकि ये अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। अभी अभी हमारे टूर्नामेंट हुआ था, मैं पूरे जिले में फर्स्ट आई बैडमिंटन में। मैं यही रहती हूँ, मुझे इसके जीबीवी में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ लिख के मैं कुछ बनना चाहती हूँ।